कैसे लगी फिल्म? अच्छी थी। इधर इधर कैमरा। कैसे लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी थी। सानिया मल्होत्रा भी इसमें किस तरह से लगा उनका रोल? और अच्छी। सॉन्ग किस तरह के लगे? सॉन्ग तो मैंने सुने ही नहीं अच्छे से, मतलब स्टोरी अच्छी थी, ऐसा नहीं कि मतलब बैरो की स्टोरी अच्छी थी। दो बहनों की कहानी रिलेट कर पाएंगे ऑडियंस से। हां और कितने स्टार हैं? हां और कितने स्टार हैं? होगा स्टार। अरे भाई सुन, मैं देखा ही नहीं हूँ। कैसे लगे? अरे मतलब अच्छी थी। इट वॉज गुड। व्हाट एल्स? स्टोरी वॉज गुड। फर्स्ट हाफ वॉज रियली गुड। सेकेंड वॉज अ बिट बोरिंग। एक्टिंग वाइज ए प्लस। स्टोरी वॉज गुड। लाइक या सुनील ग्रोवर हैज ऑलवेज बीन गुड। सानिया मल्होत्रा, इवन राधिका, शी वॉज फैंटास्टिक। शी इज रियली गुड। या सॉन्ग्स ठीक थे। आई मीन कुछ कोई इतना खास सॉन्ग नहीं था, पर अच्छा था। 3.5। योर वर्क। फिल्म अच्छी। एक्टिंग राधिका मदानर, दोनों दोनों ने गजब काम किया, लड़कियों ने दोनों ने। सुनील ग्रोवर तो है ही अपनी क्लास में। उसका थोड़ा रोल अलग हटके था, लेकिन बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत ब्यूटीफुल फिल्म। मतलब मास के लिए नहीं है, लेकिन एक अलग लेवल की डार्क कॉमेडी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बस उसका सब्जेक्ट ही वो होता कि बिना बात के लिए लड़ते हैं, बिना बात के, बिना लड़े जीती नहीं है। वो इंडिया पाकिस्तान एक एग्जांपल दिया है कि लड़ना है पर पता नहीं क्यों लड़ना है। वो उस टाइप की फिल्म है। फिल्म का मैसेज जिस तरीके से जाता है वो लोगों तक जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन डार्क, एक डार्क कॉमेडी फिल्म बनाई है। और विशाल भारद्वाज का अपना रहता है कि वो किसी की परवाह नहीं करते। मतलब फिल्म देखो अच्छे से। सॉन्ग्स दो गाने बहुत अच्छे हैं। गानों में टोटल में 3 स्टार। अच्छा, ओके आप आगे चले जाइए। सर मूवी बहुत अच्छी थी, अलग कंसेप्ट था उसमें। शायद क्योंकि सुविधा का तो मैंने देखी नहीं अभी तक, ट्रेलर ही देखा है। अगर वो देखेंगे तो कंपेयर कर पाएंगे। बाकी ये मूवी का अलग कंसेप्ट था तो इट वॉज गुड। एक्टिंग सुनील ग्रोवर तो ऑल टाइम फेवरेट है उनकी है, और जो ये शायद फर्स्ट टाइम मूवी की है वो दो लेडी एक्टर्स ने। हाँ सो दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। सुनील ग्रोवर तो ऑल टाइम फेवरेट, ही इज एक्सीलेंट कॉमेडियन, सो उसके बारे में बात नहीं होती। ही इज ऑल टाइम फेवरेट। सो या श्योर, एक फैमिली भी देख सकती है ये मूवी, सो श्योरली डेफिनेटली। सॉरी, गाने किस तरह से लगे? गाने अच्छे थे, बट वो मलाइका अरोड़ा का सॉन्ग देखने नहीं मिला, बाकी दैट्स फाइन। स्टार 4। ओके थैंक यू। सॉन्ग्स ठीक है, मतलब इट्स नॉट दैट गुड, बट हाँ एवरेज। 4। आई थिंक हो गया ना, नहीं हुआ। मूवी वॉज डिसेंट, ठीक थी। और विशाल भारद्वाज की मूवीज अलग होती है, आर्टिस्टिक होती है, तो जिन लोगों को इस टाइप की फिल्म्स पसंद आती है उन लोगों को बेहद मज़ा आएगा ये मूवी देख के। एक्टिंग बहुत, हाँ एक्टिंग दोनों की अच्छी है। और सुनील ग्रोवर भी बहुत, उनके बारे में क्या बोलें, ही इज़ अमेजिंग, एंड जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्हें देख के बिग स्क्रीन पे। मैसेज यही है कि भले ही लड़ाई झगड़ाई हो, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन प्यार जो होता है वो इट कीप्स अस यूनाइटेड। सॉन्ग्स ठीक है, एंड वाला बहुत अच्छा था जो क्रेडिट सॉन्ग है। 3.5। बहुत अच्छी मूवी थी, हम लोग ने काफ़ी इन्जॉय किया मूवी को देख के। और
जो सुनील ग्रोवर की एक्टिंग थी मुझे काफ़ी पसंद आई, बाकी सारे एक्टरों की एक्टिंग बहुत पसंद आई, और जो ये मूवी के डायरेक्टर है विशाल भारद्वाज, उनको तो सब कोई जानता है, और उनका काम माइंड ब्लोइंग। सॉन्ग तो बहुत अच्छे है, मुझे नहीं लगता है इसको कोई रिजेक्ट कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी ये कहानी मिलता जुलता है तो सबको पसंद आएगा। मोस्टली हम लोग फिल्म में थे तो कैसा होता है कभी कभी हम लोग बोर हो जाते हैं मूवी देख के, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ थोड़ा बहुत इन्जॉय किया हम लोग ने, और मूवी हम लोग इन्जॉय करके देखे हम लोग मूवी को, ऐसा मतलब होता है बोर नहीं हुए हम लोग। गाने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे गाने। कैसी लगी फिल्म सर? पटाखा मूवी सो इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा, मैं सोचता भी नहीं था सर इतना अच्छा मुझे मूवी लगेगा करके। फटाखा तो पूरा फटाखा ही फोड़ दिया है सर उन्होंने, मेन बात उसमें सुनील गावस्कर के, उस उनका मूवी देख के तो एकदम इतना एक नंबर लगा ना सर, मुझे पूछो उनको कपिल शर्मा शो में तो उन्होंने पूरा ये किया था, अभी उसमें भी सर इतना अच्छा काम किया, अच्छा मज़ा आया सर मुझे। बस सर राधिका मंदाना तो उनका तो रियल एकदम लगता था कि रियल ही उन्होंने ये किया हुआ है, जैसे कि काम किया हुआ है ऐसा लग रहा था सर, उन्होंने भी धमाल मचा दिया और जो मज़ा आया मुझे देखते टाइम सर। अच्छा गाने किस तरह से लगे आपको? सर सॉन्ग जो लगे हुए तो साइड सॉन्ग भी अच्छे थे, थोड़ा बहुत पार्टी सॉन्ग ये सब थे, बहुत मज़ा आया सर देखते टाइम, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था कि इतना अच्छा मूवी लगेगा और चलेगा, मज़ा आया सर देखते टाइम मुझे। सर चार तो मेरे बनते बनते सर। ओके ठीक है। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।